ओके हैन सो टूडे लेट्स डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सो इट इज़ द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज़ एल वन वैन द टेंशन इन इट इज़ टी वन एंड इज़ एल टू वैन द टेंशन इज टी टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द वायर इज़ फाइन सो लेट्स इस तरह से हमारे पास एक वायर है एंड इस वायर का जो नेचुरल लेंथ है दैट इज़ एल एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए राइट नाउ व्हेन द टेंशन इन दिस वायर इज़ टी वन उस टाइम पे इसका जो लेंथ है दैट इज एल वन इट मीन्स वी कैन से कि एलोंगेशन इन द वायर इन दिस केस लेट्स ई वन, दैट विल बी एल वन माइनस एल दिस इज द एलोंगेशन इन द वायर राइट वट एवर इज़ द लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ इज़ द वैल्यू ऑफे एलोंगेशन देन वी कैन से जो स्ट्रेस होगा स्ट्रेस दैट विल बी टी वन डिवाइडेड बाय क्रॉस एक्शनल एरिया एंड स्ट्रेन कितना होगा स्ट्रेन होगा ई वन लाइक आप देखो जो एलोंगेशन uh, है एल वन माइनस एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ सो वी कैन से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज दैट ई वन बाय ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दैट इज एल वन माइनस एल डिवाइडेड बाय एल दैट इज द वैली ऑफ गामा सिमिलरली वी कैन राइट एन अदर इक्वेसन दैट वेन टेंशन इज टे टू जो लेंथ ऑफ वायर है दैट इज़ L2. So we can say elongation in this case, let's say E2, that will be L2 minus L. Whatever is the length minus natural length will give you the value of elongation. And stress kit is this case that will be T2 divided by cross-sectional area. And strain kitanahoga elongation divided by natural length. Again you can uh, write this um, stress by strain that is T2 by A divided by एल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय एल दैट इज इक्वल टू गामा गामा विल भी सेम बिकॉज वाईर इज सेम राइट ना वी कैन इक्वेट दिस गामा सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट इसे इक्वेट कर देते हैं टी टू बाय ए डिवाइडेड बाय एल टू माइनस एल डिवाइडेड बाय एल सो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा एल से एल कैंसल हो जाएगा वॉट यू आर गेटिंग टी टू एल वन माइनस एल दैट इज इक्वल टू टी वन एल टू माइनस एल सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ़ एल है ना नेचुरल लेंथ का वैल्यू हमें फ़ाइंड आउट करना है देन टी टू इंटू एल वन माइनस टी टू इंटू एल दैट इज एकवल टू टी वन इंटू एल टू माइनस टी वन इंटू एल सो एल वाले टर्म्स एक तरफ ले लो सो so, यहाँ से देखो टी टू एल माइनस टी वन एल दैट इज़ इक्वल टू टी टू एल वन माइनस टी वन एल टू Right. So yaha say T2 L one minus T1 L two divided by T2 minus T1. That is the value of natural length. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion we can discuss further. Okay, let's keep working hard. Best of luck. Bye. <laughs>